हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी यूजीसी नेट का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जो बहुत एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि उसमें मैंने लगातार जो है 2011 से लेकर 2004 तक के जो मतलब एक ही जिस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही जो क्वेश्चन रिपीट किया है या एक लाइन से जो क्वेश्चन आया है मैंने उसको करवाया है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि जो यूजीसी नेट है वो किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे रही है और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्ले लिस्ट में आपको जो है पार्ट वन वो मिल जाएगा, ये पार्ट टू है, तो आप पार्ट टू देखने से पहले आप पार्ट वन को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें 1 से 50 क्वेश्चन करवाए हैं और इसमें आपको मैं 51 से लेके 80 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको वो मिलता रहे, क्योंकि मैं रोज़ का वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स। तो और अपने कॉमेंट्स आप ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करता है आपके कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 52। कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी, रेगर मिट्टी, रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है रेगर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में चलेंगे। तत्काल साफ किए गए अछूती मिट्टी कॉफ़ी के सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, कारण कॉफ़ी एक मिट्टी रोचक फसल है। तो इसमें देखिए कूट दिया हुआ है ए बी सी डी करके, तो क्या लग रहा है आपको क्या होगा? बिल्कुल सही, यानी ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 2007 में ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की वेवर द्वारा प्रतिपादित आदर्श स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीयकरण लागत है? तो 54 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो में जो है तो 54 का जो है वो ए हो जाएगा, यानी बोकारो जो है वहाँ है। जैसे फसल पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, मारक कीटों एवं बीमारियों का जो आक्रमण है, इससे क्या होता है, फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 56 में है, टाफे के परिवहन मॉडल में किस विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो टाफे के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, 6 हैं, यानी 6 हैं। नेक्स्ट है, कृषि की मशीनीकरण किन देशों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कृषि की जो मशीनीकरण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ के देशों के लिए है, विस्तृत कृषि भूमि वाले देशों के लिए है। क्योंकि देखिए, जब क्या होगा, आपका ज़मीन विस्तृत होगा तो ही वहाँ पे बड़े बड़े क्या होगा, हल वगैरह का जुताई हो सकता है या आप बड़े बड़े मशीन औजार ला सकते हैं। अगर आपका खेत छोटा है तो उसमें नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारी मात्रा प्रवेश करती है? तो भारी मात्रा कहाँ प्रवेश करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गेहूँ। किसकी, तो गेहूँ की। नेक्स्ट देखिए, विश्व में हरी चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक देश क्या है? विश्व में जो इसका सबसे उत्पादक देश क्या है, चीन, यानी चीन में जो है चाय की सर्व प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2006 में आया है। रिसोर्सेज आर नॉट द बिकम, संसाधन की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जिमरमैन की परिभाषा है। फसल संयोजन परिकलन के आधार पर किया जाता है, तो क्या किया जाता है, एक क्षेत्र में फसलों का दर्जाकरण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो देखिए कि जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी है, सीमेंट है, हथकरघा है, तो क्या हो जाएगा 62 का, 62 का हो जाएगा डी, यानी हथकरघा जो है एक स्वच्छंद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। आइसोटोपिन का संबंध है
तो समतुल्य ऊंचाई की रेखा, समतुल्य दृष्टिमान की रेखा, असमानता की रेखा या समतुल्य परिवहन लागत की रेखा, तो इसका संबंध किससे है? समतुल्य परिवहन लागत की रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए 64 में क्या है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है ये परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है। वॉन थ्यूनेन थ्योरी, डिस्टेंस डी के फंक्शन और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट अफोर्ड, ये तीनों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 के बाद। नेक्स्ट 65, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो भूमि जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है, कहाँ पे? मानसून प्रदेश में, सवाना प्रदेश में, साहिल प्रदेश में या पेरी एवं ये प्रदेश में? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा पेरी एवं स्टेपी प्रदेश में, ऑप्शन होगा पेरी और स्टेपी। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो इसका हो जाएगा क्या, झड़िया, झड़िया में की गई है। नेक्स्ट है, चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? तो जो चाय के बागान होते हैं वो विषुवत रेखीय प्रदेश में विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, शाल एवं सटीक, साल एवं टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं, साल और टीक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन है विषुवत रेखीय वन, मानसूनी वन और मैनग्रोव वन और सवाना वन। तो जो साल और टीक हैं वो क्या हैं, एक मानसूनी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 70, विश्व में खजूर का मुख्य निर्यातक है, तो खजूर का मुख्य निर्यातक क्या है? खजूर का मुख्य निर्यातक इराक है। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों द्वारा स्थानीयकरण कृषि मुख्य रूप से की जाती है, क्यों की जाती है? तो इसका जो हो जाएगा, बोल रहा मृदा उर्वरता जो है कुछ वर्षों के उपरांत कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि मृदा कुछ वर्षों बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए जो है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं कृषि करने के लिए। नेक्स्ट 72, किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो जो संसाधन का विकास है वो किस पे निर्भर करता है? तो जनसंख्या का घनत्व पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वॉन थ्यूनेन के प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मॉडल में प्रत्येक मॉडल उन कृषि उत्पादकताओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वह सर्वोपयुक्त होता है। कारण, वॉन थ्यूनेन ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशुधन के संबंध प्रचारण के लाभों की कल्पना नहीं की थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, वेवर का पदार्थ सूचकांक अनुपात निर्देश संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है? तो परिवहन लागत एवं श्रम लागत के मध्य, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका, ईरान, भारत, और यहाँ पे दिया है कहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी देखिए जो जाम्बिया है, तांबा जो है जाम्बिया में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में हीरा जो है होता है, ईरान में क्या होता है, खनिज तेल होता है, और भारत हम लोग जानते हैं कि भारत माइका के लिए यानी अवरक के लिए प्रथम स्थान पे है। परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम या उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है? तो कौन उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है, इसका हो जाएगा बी यानी अल्फा। हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश है, तो चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश क्या है, तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बेबर का वस्तु सूचक बताता है, क्या बताता है? कच्चे वस्तु की लागत, तैयार वस्तु की लागत, कच्चे वस्तु का वजन या तैयार वस्तु का वजन? तो 78 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 3 और 4, यानी कच्चे वस्तु का वजन और तैयार वस्तु का वजन जो है ये बताता है। नेक्स्ट 79, बेवर का सिद्धांत यातायात लागत पर आधारित है, परंतु यह छोड़ देता है कि वस्तु दर हमेशा दूर के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है। कारण, वस्तु पर कच्चा पदार्थ और तैयार वस्तु के समान नहीं होती। तो ये जो 17 क्या है, ये ए और आर दोनों सत्य है और आर ए
की सही व्याख्या है, यानी 7 इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, लिस्ट स्कैबर पद्धति, ये लिस्ट स्कैबर पद्धति किसने दिया है, लिस्ट स्कैबर पद्धति, तो देखिए इसका जो क्या हो जाएगा, रफ़ीउल्ला, तो सही है ऑप्शन ए में देखिए 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस पद्धति, तो इनका हो जाएगा अय्यर, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, यानी लिस्ट स्कैबर पद्धति रफ़ीउल्ला, मैक्सिमम डिस्टेंस पद्धति अय्यर, फसल और पशु संयोग वीवर और लॉरेंस कार्य का उपयोग को पैक हो जाएगा। नेक्स्ट 81 वॉन थ्यूनेन के प्रतिमान में हर एक पेटी उस कृषि उत्पादक विशेषता प्राप्त करती है जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, कारण वॉन थ्यूनेन ने विभिन्न कृषि उद्यम और पशु संयोग का नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।